सबसे पहले इस राष्ट्रीय गोधन महासंघ द्वारा आयोजित गो संरक्षण और गो संवर्धन विषय पर इस सेमिनार में अपनी तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आप भी इस हकीकत को समझते हैं कि यह विषय देश और समाज के श्रद्धा और सम्मान के साथ जुड़ा हुआ विषय है। मैं यह दावा नहीं कर सकता कि गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के बारे में हमारी कोई बहुत अधिक जानकारी है, लेकिन कृषि मंत्री रहते और एक किसान परिवार में पैदा होने के कारण जो कुछ भी मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं उसका बहुत ही संक्षेप में आप सबके समक्ष में उल्लेख करूंगा। मुझे याद है कि जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय एक अलग सब्जेक्ट हुआ करता था, वह कृषि विज्ञान का सब्जेक्ट हुआ करता था। कृषि विज्ञान पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था परफेक्ट डाइट, पूरा का पूरा भोजन यदि किसी एक चीज से उपलब्ध हो सकता है तो केवल और केवल गाय के दूध से ही उपलब्ध हो सकता है। यह वैदिक काल से ही हमारी यह गाय पवित्र मानी जाती है और जिन लोगों ने भी शासन किया, राजा महाराजाओं ने भी, सभी ने गो संरक्षण और गो संवर्धन के लिए अपनी तरफ से, अपने राज्य की तरफ से जो भी अधिकतम प्रयत्न हो सकते हैं सबने करने की कोशिश की है। जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मुगल शासकों की है, मुगल शासकों के बारे में भी मैं कह सकता हूं कि मुगल शासक इस हकीकत को समझते थे कि गो हत्या करते हुए और गो मांस की खुली इजाजत खाने की देते हुए हम यदि रियाया के हुकूम के दिलों पर हुकूमत करना चाहते हैं तो हमें हुकूमत लंबे समय तक नहीं कर सकते। बाबर ने भी अपने वसीयतनामे में यह लिखा है कि दो में से केवल एक चीज हो सकती है, या तो रियाया के दिलों पर तुम हुकूमत करो या तो गो मांस खाओ, इन दोनों में केवल एक चीज हो सकती है, दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती हैं। बाबर ने भी अपने वसीयतनामे में यह बात कही है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत की संस्कृति, भारत की परंपराओं का जो सम्मान होना चाहिए था वह नहीं हुआ, बल्कि मैं मानता हूं कि उसकी उपेक्षा तेजी के साथ होती चली गई। और आपको याद होगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो हुआ था उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी एक विषय, अन्य विषयों के अतिरिक्त एक विषय यह भी था कि कारतूस में गाय की चर्बी है, जिसने आंदोलन को काफी उग्र बना दिया था। यानी अंग्रेजों की हुकूमत के समय भी लोगों की आस्था गाय के प्रति किस हद तक थी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आप सबके मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न खड़ा होगा, जिस गाय का इतना महत्व है हर दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सब कुछ महत्व होने के बावजूद क्यों लगातार इन गायों की हत्या हो रही है, क्यों नहीं इस पर प्रतिबंध लगता है? मुझे आज ये बताते हुए बेहद खुशी है कि आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में, अभी हाल में ही महाराष्ट्र की सरकार ने भी गो हत्या के, गो मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अपना नया एक्ट बनाने का काम किया है हमारी महाराष्ट्र की सरकार। और हमारे ओम प्रकाश जी धनखड़ जो हरियाणा के हमारे कृषि मंत्री हैं, इन लोगों ने भी इस काम को किया है। माने देश के कई राज्य इस काम को कर रहे हैं और हमारा यह निश्चित मानना है कानून और व्यवस्था का प्रश्न यह राज्यों से जुड़ा हुआ होता है और साथ ही भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की हकीकत को समझते हुए आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों को भी इस दृष्टि से कन्विंस किया जाए, जन सामान्य में इस विषय को लेकर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। और मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यदि हम जागरूकता जितना ही अधिक पैदा करने में कामयाब होंगे उतना ही गो संरक्षण और गो संवर्धन के प्रति जन सामान्य की रुचि बढ़ेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। और मैं यह भी कह सकता हूं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी
जो भारतीय प्रजाति की गायें हैं इनके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। दुनिया के कई देशों में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, अमेरिका में भी मैं गया हूं, वहां पर भी गिर गाय जो भारतीय प्रजाति की होती है, इस गिर गाय की डिमांड अमेरिका में भी है। दुनिया के अन्य देशों की बात छोड़िए, ब्राजील की, ऑस्ट्रेलिया की, इन सब सारे देशों की बात छोड़िए, बल्कि अमेरिका में भी भारतीय प्रजाति की गायों की डिमांड यह बढ़ी है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 22 देशों के लगभग 300 से अधिक वैज्ञानिकों को एक काम में लगाया कि गाय का जेनेटिक सीक्वेंस क्या है, इस जेनेटिक सीक्वेंस को आप सब डिफाइन करें। और आज मुझे आप सबको बतलाते हुए बेहद खुशी होती है कि 300 वैज्ञानिक जो लगभग 22 देशों के इसमें लगे हुए थे, उन्होंने जेनेटिक सीक्वेंस इस गाय का डिफाइन करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर ली है। और उनका कहना है कि गायों में लगभग 22,000 ये जीन्स होते हैं, जबकि मनुष्य में 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन्स होते हैं। और उन्होंने यह भी पाया है कि लगभग 80% गाय और मनुष्य के जो जीन्स होते हैं वह समान होते हैं। यह यूनाइटेड नेशंस ने एक अपने की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है, साइंस एक मैगजीन प्रकाशित होती है, उस मैगजीन में देखने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। अभी हमारे से राजेंद्र सिंह जी पुरोहित ने भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है उसकी जानकारी आपको दी है। गोकुल मिशन के अंतर्गत जहां पर हम लोगों ने 500 करोड़ रुपए की धनराशि यह स्वीकृत की है गो संरक्षण और गो संवर्धन के लिए, वहीं पर आपको यह भी जानकारी होगी 2 रिसर्च स्टेशंस जिसमें कि मथुरा भी शामिल है, यह भी स्थापित करने का काम किया है ताकि हमारी भारतीय प्रजाति की जो गायें हैं उनके विकास और उनके संवर्धन के संबंध में भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा सके। मैं ऐसा मानता हूं कि कल्चरल वैल्यू तो गाय की जहां पर है, इसका एक सांस्कृतिक मूल्य गायों का जहां पर है, वहीं पर इसकी कॉमर्शियल वैल्यू भी है। कॉमर्शियल वैल्यू कैसे है, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी कैसे है, मुझसे अधिक आप लोग जानते हैं, इसलिए इस संबंध में बहुत अधिक मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी अब यह मानने लगे हैं। यह हकीकत है कि मनुष्य के स्वास्थ्य को देखते हुए, क्लाइमेट के स्वास्थ्य को देखते हुए, यह आवश्यक है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन जब तक गोवंश संरक्षित नहीं रहेगा दुनिया में, तब तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और मैं यह भी संबंध में कहना चाहूंगा कि जहां तक गोबर जो होता है, डंग जिसे कहते हैं गोबर में हम लोग बचपन से जानते हैं, किसान परिवार में होने के कारण गोबर में कीड़े कभी नहीं पड़ते, गोबर में कीड़े नहीं पड़ते। और गोबर सबसे अच्छी फर्टिलाइजर मानी जाती है, सबसे अच्छी खाद मानी जाती है। और माना जाता है गोबर जिन खेतों में डाला जाता है उन खेतों में भी कीड़े नहीं लगते हैं, खेतों में पैदा होने वाले पौधों में कीड़े नहीं लगते। गोमूत्र को तो आजकल सबसे बड़ा एंटीबायोटिक माना जाता है, सबसे बड़ा एंटीबायोटिक। तरह तरह की बीमारियों का इलाज भी गोमूत्र के माध्यम से हो सकता है, इस हकीकत को भी आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। और वैसे इसके कई पहलू हैं, बहुत अधिक डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि यदि मैं गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है इस दृष्टि से, इस मंत्रालय का दायित्व संभालते हुए। तो जैसा राजन सिंह जी राजपुरोहित ने कहा है, जिस दिन हमने जिम्मेदारी संभाली उसके एक महीने के अंदर ही मैंने फैसला किया था कि मैं इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जाऊंगा। और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर लाखों की संख्या में गायों की तस्करी हो रही है, बांग्लादेश भेजी जा रही है। मेरे मन में आया था कि यह रुकना चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत ही लंबा बॉर्डर है, रेवराइन भी है,
नदियां भी हैं, रोकना कितना कठिन काम है। कई राज्यों से गायें चलकर आती हैं, तस्करों से वहां लड़ना भी पड़ता है। फिर भी मैं अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के बीच गया और उन्हें संबोधित करते हुए मैंने कहा कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की विजिट पर यदि मैं आया हूं तो हमारी विजिट की सार्थकता इसी में होगी कि यह जो गायों की तस्करी बांग्लादेश के लिए हो रही है यह रुकनी चाहिए। यही अपील मैंने अपने बॉर्डर से की। और कुछ स्थानों पर जाकर मैंने उसका निरीक्षण भी किया। आज मुझे कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। पर कल तो मुझे और अधिक संतोष इस बात का हुआ है कि बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मिलने के लिए मुझसे आए थे और बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी मिलने के लिए आए थे। जब मैंने उनसे इस तस्करी की चर्चा की, मैंने कहा कि आप लोगों की तरफ से भी यह प्रयत्न होना चाहिए ताकि यह गायों की तस्करी रुके। तो जानते हैं वहां के हाई कमिश्नर ने कहा कि साहब, जब से आपने गायों की तस्करी रोकी है तब से बांग्लादेश में लगभग 50% बीफ की कीमत बढ़ गई। बांग्लादेश में 50% बीफ की कीमत बढ़ गई। तो थोड़ा मुझे संतोष हुआ। अब वहां की कीमतों को लेकर हो सकता है किसी को तकलीफ हो, लेकिन मुझे इस बात का संतोष हुआ। संतोष इसलिए हुआ कि गायों की तस्करी जो हो रही थी बांग्लादेश के लिए उसमें काफी हद तक कमी आई है। हमारी यह कोशिश यह होगी, मैं राज्य सरकारों को विश्वास में लेने की जरूरत पड़ी तो राज्य सरकारों को हम विश्वास में लेंगे और यह बॉर्डर जो इंडो बांग्लादेश है इस पर इस तस्करी को कैसे रोका जा सकता है हम रोकने की कोशिश करेंगे। आप सबको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने लगभग सैकड़ों की संख्या में तस्करों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, सैकड़ों की संख्या में तस्करों को भी गिरफ्तार किया। और मैं इस मंच से भी अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी जवानों को इसके लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं मिले देना चाहता हूं। सबसे बड़ी आवश्यकता जो मैं महसूस करता हूं इस विषय को लेकर जन सामान्य में हम सबको जागरूकता पैदा करने की जरूरत है और यह जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से भी आप सतत प्रयत्नशील हैं, इसलिए मैं पुनः अपनी तरफ से भी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। इरादे ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। या बा फोन में क्या कर रहे हैं? अपनी एलपीजी सब्सिडी गिव अप कर रहा हूं। अचानक क्यों? मैंने अपनी माँ को लकड़ियां चुनते हुए देखा है। मेरे लिए खाना बनाते हुए धुएं में अपनी आंखें जलाते हुए देखा है। मेरे गिव इट अप करने से उन कई माओं को गैस कनेक्शन मिलेगा जो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है। आप भी अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए www.mylpg.in या www.giveitup.in पर लॉगिन करें। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।